हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th। क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 हमारी हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2। 5.2 के अंदर हमारे पास क्या है, आपको कुछ टर्म्स दी हुई है। जैसे एपी हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि एपी क्या होता है, एपी से हम डी कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि आपको ए गिवन होगा, कहीं डी ए डी ए एन फाइंड करना है, कहीं कैसे ऐसे ए डी ए एन और आपको नेक्स्ट टर्म्स या कोई भी टर्म्स दे दिया आपको, वो फाइंड करना है इसके अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको एक टेबल दी हुई है बुक में, उस टेबल को फिल करना है। उसके अंदर से मैंने नोट कर रखा है क्या गिवन है हमारे पास और क्या हमें फाइंड करना है। देखो ए इज इक्वल टू दे रखा है 7, डी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 8। आपको तीन चीज़ गिवन है, ये फाइंड क्या करना है, ए एन, ए एन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब ए एन कैसे फाइंड करेंगे, एन की जगह आपको दे रखा है ए 8। क्या दे रखा है, ए 8। देखो कैसे, फॉर एन ए पी ए एन इज इक्वल टू, ए एन की हमारे पास क्या है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है और डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। ए एन इज इक्वल टू, ये हमारे पास स्पेसिफिक एक फॉर्मूला दिया हुआ है किसी भी टर्म को निकालने के लिए। अब एन की वैल्यू क्या दे रखी है, 8। इट मीन्स क्या निकालेंगे, ए 8 इज इक्वल टू, ए हमारे पास क्या है 7 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास क्या है 3। 7 प्लस 8 माइनस 1 7 और मल्टीप्लाई 3, 7 प्लस 7 3 जा 21, 7 प्लस 21 आपके पास क्या आ जाएगा 28। ए 8 हमारे पास क्या आएगी 28 न। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, ए वन इज इक्वल टू माइनस 18, डी हमारे पास नहीं है फाइंड करेंगे, एन इज इक्वल टू 10 एंड ए एन इज इक्वल टू 0। अब एन की वैल्यू क्या है 10, तो ए 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0। फॉर्मूला क्या, ए 10 इज इक्वल टू, ए 10 का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 10 हमारे पास कितना है 0 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू माइनस 18 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है फाइंड करना है। तो ये इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। माइनस 18 है, 10 माइनस 1 क्या आ जाएगा 9, माइनस 18 को उधर लेके गए प्लस 18 हो गया, इधर क्या बचेगा 9 डी, 9 इधर मल्टीप्लाई है अपोजिट में जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, क्या आएगा 18 बाई 9, 9 टू जा 18, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, ए हमारे पास से फाइंड करना है, एन इज इक्वल टू 18, डी इज इक्वल टू माइनस 3 एंड ए एन इज इक्वल टू माइनस 5, ये आपके पास गिवन है। अब ए 18 निकालेंगे, एन की वैल्यू 18 है हमारे पास, तो क्या निकाल देंगे, ए 18 इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। 18 हमारे पास एन दे रखा है, ए 18 की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास ए एन, एन की वैल्यू 18 थी, तो ए 18 क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 17, डी की वैल्यू माइनस 3, माइनस 5 एज इट इज, ए प्लस माइनस माइनस 17 3 जा 51, माइनस 51 को इधर लेके आएंगे प्लस 51 हो जाएगा, 51 में से 5 जाएगा 46, ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 46। नेक्स्ट है फोर्थ, ए इज इक्वल टू माइनस 18.9, डी इज इक्वल टू 2.5, एन इज इक्वल टू फाइंड करेंगे और ए एन इज इक्वल टू 3.6। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन हमारे पास क्या है 3.6 इज इक्वल टू, ए हमारे पास है माइनस 18.9 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 2.5। 3.6 एज इट इज, माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5, इन दोनों को प्लस करेंगे 22.5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। अब 2.5 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको हम अपोजिट साइड लेके आएंगे, क्या आ जाएगा, इसको अपोजिट साइड लेके आएंगे क्या आएगा, ए एन माइनस 1 इज इक्वल टू 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5, इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा, ये कैंसिल, इसको हटाएंगे ये कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 25 1 जा 25, 25 9 जा
225 n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, और n इज इक्वल टू 9 माइनस 1 को उधर लेके गए प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 10, और n ही हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 105, ए एन हमें फाइंड करना है। वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन हमारे पास फाइंड करना है, d हमारे a हमारे पास 3.5 प्लस d n हमारे पास 105 माइनस 1 और d हमारे पास 0, ए एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस इसमें से माइनस करेंगे 104 मल्टीप्लाई 0, 0 के किसी के साथ मल्टीप्लाई होगी पूरा 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू सेम 3.5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 30th टर्म ऑफ द एपी, आपको एक एपी दिया हुआ है उसकी 30th टर्म निकालेंगे, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म होती है ए क्या आ गया 10, डी इज इक्वल टू डी हमारे पास क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7 माइनस 10 क्या आ जाएगा माइनस 3, ए एन इज इक्वल टू ए एन का फॉर्मूला क्या ए प्लस एन माइनस 1 इन टू डी, अब हमें क्या निकालना है 30th टर्म, एन की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 30, ए 30 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास 10 है प्लस एन की वैल्यू 30 माइनस 1 और डी हमारे पास क्या है माइनस 3, ए 30 इज इक्वल टू 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा 29 मल्टीप्लाई माइनस 3, 10 प्लस माइनस माइनस 29 और 3 की मल्टीप्लाई 87, 87 10 माइनस 87 क्या आएगा माइनस 77। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड 11th टर्म ऑफ द एपी, ये आपको एक एपी दी हुई है इसके 11th टर्म फाइंड करेंगे, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है माइनस 3, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस 1/2 और ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया 3, अब एलसीएम लेंगे 2 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस 1, 2 3 जा 6, 6 में से बन जाएगा 5/2, ए 11 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए 11 इज इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस 3 प्लस एन हमारे पास क्या है 11th टर्म 11 माइनस 1 और डी हमारे पास क्या है 5/2, माइनस 3 प्लस 10 11 में से बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5/2, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 माइनस 3 प्लस 25, 25 में से 3 घटा दें क्या आएगा 22, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेज, ये जो आपको बॉक्स दिए हुए हैं इनके अंदर जो मिसिंग टर्म्स है वो हम फाइंड करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये हमारे पास थर्ड टर्म है, अब हमें गिवन क्या है फर्स्ट और थर्ड हमारे पास गिवन है और फाइंड क्या करेंगे सेकेंड टर्म, कैसे ए इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया 2 और ए 3 थर्ड टर्म क्या है 26, ए 3 को हम क्या लिख सकते हैं ए 3 इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 माइनस 1 इंटू डी एज इट इज रख लेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे डी, ए 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 प्लस 2d, ए 3 और ये हमारे पास क्या है गिवन 26, दोनों में से कॉमन क्या लिया 2 क्या आ जाएगा 1 प्लस डी इज इक्वल टू 26, 1 प्लस डी इज इक्वल टू इसको इधर लेके आए 26/2 आ जाएगा कैंसिल करके 13, डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 और इधर प्लस से इधर आएगा माइनस, डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 12। अब हमें फाइंड करना था सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं फर्स्ट टर्म प्लस डी, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या ए प्लस डी, ए हमारे पास क्या है 2 और डी हमारे पास क्या है 12, 2 प्लस 12 कितना आएगा 14, तो आपका जो सेकंड बॉक्स है उसमें क्या आएगा 14। नेक्स्ट है हमें अब फाइंड करना है फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकेंड और फोर्थ आपके पास गिवन है, फर्स्ट और थर्ड हम फाइंड करेंगे, कैसे ए टू इज इक्वल टू ए सेकेंड, सेकेंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं जो भी हमें टर्म दी हुई है इसी फॉर्मूले से हमने क्या निकाल लिया कि हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है, जैसे हमारे पास क्या है सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म के लिए हमारे पास ए टू इज इक्वल टू ए प्लस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस 1 इंटू डी, क्या आया ए प्लस 2 में से बन जाएगा 1 ए प्लस डी,
अब हमारे पास सीक्वेंस क्या आ जाती है, अगर यहाँ टू है तो यहाँ वन आएगा, अगर यहाँ थ्री आ जाएगा ए थ्री तो क्या आ जाएगा ए प्लस से टू डी, जो हमारे पास टर्म है उससे ए के पहले वाली टर्म लेके चलेंगे हम यहाँ पे इंटू डी, ए फोर होगा ए प्लस थ्री डी हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या ए टू इज इक्वल टू क्या नोट कर लिया ए प्लस डी, और ये क्या है आपके पास गिवन 13, ये क्या है फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म में क्या लिख देंगे ए प्लस थ्री डी, फोर्थ है तो थ्री लिख दिया यहाँ पे, थ्री डी इज इक्वल टू क्या दे रखा है थ्री। फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन आ गई, अभी इन दोनों को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम फर्स्ट और थर्ड करेंगे। ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू थ्री, और ये क्या है ए प्लस डी इज इक्वल टू 13। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 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 हो जाएगा, प्लस है माइनस कैंसिल हो जाएगा, थ्री में से वन माइनस कर देंगे क्या आएगा टू डी इज इक्वल टू थ्री माइनस 13 माइनस 10, डी इज इक्वल टू माइनस 10 बाई टू, टू फाइव जा 10 क्या आ जाएगा माइनस 5। अब हमारे पास डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू हम यहाँ से सॉल्व करके निकाल लेंगे, ए वन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 13 है, डी को इसमें से माइनस कर देंगे, 13 माइनस डी क्या है माइनस 5, 13 माइनस माइनस प्लस 5 18 आ जाएगा। अब हमारे पास ए वन क्या आया 18, ए थ्री थर्ड टर्म निकालनी, इसको क्या लिखेंगे ए प्लस टू डी, ए हमारे पास 18 है प्लस 2 एज इट इज़, डी की वैल्यू क्या है माइनस 5, 18 प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10, 18 में से 10 जाएगा 8, ये हमारे पास क्या आ जाएगी हमारी थर्ड टर्म। नेक्स्ट है थर्ड, अब हमें 5 फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म फाइंड करना, थर्ड और फोर्थ गिवन है। अब फर्स्ट टर्म क्या है 5, फोर्थ टर्म क्या है 9 फ्रैक्शन 1 बाई टू, 9 टू जाए 18, 18 और प्लस 1 19 बाई टू, और ये इसको हम क्या लिख देंगे फोर्थ, फोर्थ को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस थ्री डी। अब ए फोर इज इक्वल टू ए प्लस थ्री डी, ए फोर्थ क्या दे रखे 19 बाई टू इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5 प्लस थ्री डी, 5 को इधर लेके आएंगे अपोजिट साइड तो माइनस हो जाएगा 19 बाई टू माइनस 5, एलसीएम ले लेंगे 2, 19 वन जा 19, 2 5 जा 10, 19 में से 10 जाएगा 9 बाई टू। अब डी इज इक्वल टू 9 बाई टू इन टू, ये 3 था इधर आएगा 1 बाई 3, 3 3 जा 9 क्या आ जाएगा 3 बाई टू। हमें फाइंड करना है सेकंड टर्म ए टू, ए टू को हमने क्या लिख देंगे ए प्लस डी, ए हमारे पास 5 है और डी हमारे पास 3 बाई टू, 2 5 जा 10 प्लस 3 13 बाई टू। ए थ्री, ए थ्री को हम क्या लिख देंगे ए प्लस 2d, या फिर सेकेंड टर्म प्लस d, सेकेंड टर्म प्लस d लिखेंगे तो क्या आएगा सेकेंड टर्म कितनी आई 13 बाई टू प्लस d क्या 3 बाई टू, 2 एलसीएम 13 प्लस 3 16 बाई टू, 2 से कैंसिल होके क्या आएगा 8। नेक्स्ट है माइनस 4, फर्स्ट टर्म आ रखी आपके पास, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, आपको फर्स्ट और सिक्स टर्म गिवन है और सभी फाइंड करेंगे। ए वन इज इक्वल टू माइनस फोर है और ए सिक्स इज इक्वल टू सिक्स है, अगर ए सिक्स आपके पास गिवन है तो ए सिक्स के लिए हम क्या करेंगे सिक्स है, इसको क्या लिखेंगे ए प्लस फाइव डी, और ए प्लस फाइव डी लिख के इसको ए सिक्स क्या है सिक्स, ए हमारे पास माइनस फोर प्लस फाइव डी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 5 डी एज इट इज 6, इसको इधर लेके आए प्लस 4 6 प्लस 4 10, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 2 जा 10 क्या आ जाएगा आपके पास 2। अब ए 2 सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस है डी, फर्स्ट टर्म क्या है माइनस 4 और डी हमारे पास क्या है प्लस 2, माइनस 4 प्लस 2 क्या आएगा माइनस 2। ए 3, ए 3 क्या निकाल देंगे ए प्लस 2 डी, ए हमारे पास माइनस 4 है प्लस 2 एज इट इज़, और d की वैल्यू भी आपके पास क्या है 2, 2 2 जा 4, माइनस 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा 0। फोर्थ टर्म a प्लस 3 डी, ए हमारे पास माइनस 4 प्लस 3 एज इट इज़, और d की वैल्यू 2, माइनस 4 प्लस 3 2 जा 6, 6 में से 4 जाएगा 2। a 5 a प्लस 4 डी, ए माइनस 4 प्लस 4 इंटू डी हमारे पास 2 है, माइनस 4 प्लस 4 2 जा 8, 8 में से 4 जाएगा 4, ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 सभी। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ, फर्स्ट टर्म, अब हमें क्या फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म फाइंड करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स टर्म गिवन है, सेकंड और सिक्स टर्म गिवन है, सेकंड को क्या लिख देंगे ए टू, ए प्लस वन डी इज इक्वल टू 38 दे रखा है, ए सिक्स, सिक्स क्या है ए प्लस फाइव डी इज इक्वल टू माइनस 22, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ए प्लस डी इज इक्वल टू 38, ए प्लस फाइव डी इज इक्वल टू माइनस 22,
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सभी माइनस के आ जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी माइनस फाइव डी क्या आ जाएगा, माइनस फोर डी इज इक्वल टू 38, और ये आ गया प्लस से, प्लस करेंगे 60, डी इज इक्वल टू 60, और ये माइनस इधर आ जाएगा, और बाई फोर, फोर से कैंसिल कर देंगे 15, डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस 15। अब ए हमारे पास क्या आया, ए टू माइनस डी, सेकेंड टर्म में से हम अगर डी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है 38, 38 में से माइनस कर देंगे माइनस 15, अब माइनस 15 हमारे पास प्लस हो जाएगा, 38 प्लस 15 क्या आएगा 53, ये हमारे पास क्या आ गई फर्स्ट टर्म। थर्ड टर्म हमारे पास ए प्लस 2D, ए हमारे पास क्या है 53 प्लस 2 एज इट इज़, और डी की वैल्यू माइनस 15, 53 प्लस माइनस माइनस 15 टू जा 30, इसमें से माइनस करेंगे 23। ए फोर, ए प्लस 3D, ए 53 प्लस 3 और डी की वैल्यू माइनस 15, 53 प्लस माइनस माइनस 15 थ्री जा 45, इसमें से माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। ए फाइव, ए प्लस 4D, ए हमारे पास 53 है प्लस 4, डी की वैल्यू माइनस 15, 15 फोर जा माइनस 60, 53 माइनस 60 माइनस 7। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द ए पी 3, 8, 13, 18 अप टू इज 78, आपसे ये पूछ रखा है, एक ए पी दिया हुआ है उसकी किस नंबर की टर्म 78 होगी, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है कि कौन से नंबर की टर्म 78 है। जैसे हमारे पास 18 है, ये किस नंबर की टर्म है, 1, 2, 3, 4th, ये फोर्थ नंबर की है, इसी तरह हमें बताना है कि 78 किस नंबर पे आएगा। अब a इज इक्वल टू क्या आया 3, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। nth टर्म, nth टर्म हमारे पास क्या है 78, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब ये हमें गिवन है 78 इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 5, 78 प्लस 3 को इधर लेके आए माइनस 3 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू 5, 78 माइनस 3 क्या आ जाएगा 75, इधर 5 मल्टीप्लाई डिवाइड में आएगा कैंसिल होके 15, n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, माइनस 1 को इधर लेके आए प्लस हो गया 15 प्लस 1 16, तो ये हमारे पास 78 कौन से नंबर की टर्म थी, 16th टर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, अब हम इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे 7, 13, 19 अप टू 205, अब ये बताना है कि 205 किस नंबर की टर्म है, a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 13 माइनस 7 6, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन क्या है 205 इज इक्वल टू ए 7 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 6, 205 प्लस से इधर आ जाएगा माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6, 205 में से 7 को माइनस करेंगे 198 इज इक्वल टू एन माइनस 1 बाई 6, 6 डिवाइड मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा कैंसिल होके क्या आ जाएगा 33 इज इक्वल टू एन माइनस 1, और माइनस 1 को इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 34, तो ये हमारे पास कौन से नंबर की टर्म है 34th नंबर की। सेकेंड पार्ट इसका 18, 15 फ्रैक्शन 1 बाई 2, 13 अप टू माइनस 47, अब बताना है कि माइनस 47 किस नंबर की टर्म है, a इज इक्वल टू 18, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 15 टू जा 30 और 1 31 बाई 2 माइनस 18, एलसीएम दोनों का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 की ओर 31 की 1 31, 2 की ओर 18 की 36 माइनस 5 बाई 2 आ जाएगा आपके पास, ए एन इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन हमारे पास क्या है माइनस 47, ए हमारे पास 18 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू माइनस 5 बाई 2, माइनस 47 इधर प्लस है माइनस 18 इज इक्वल टू, ये माइनस आगे नोट कर लेंगे एन माइनस 1 इंटू 5 बाई 2, अब ये दोनों माइनस है तो साइन माइनस आएगा डिजिट को प्लस कर दिया 65 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया एन माइनस 1 इंटू 5 बाई 2, 65 एज इट इज रख लिया, 5 बाई 2 का अपोजिट साइड लेके आएंगे 2 बाई 5 हो जाएगा, 5 से कैंसिल कर देंगे 13, 13 2 जा 26, अब माइनस 1 को इधर लेके आए प्लस हो गया 26 प्लस 1 क्या आ जाएगा 27th टर्म। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर माइनस 150 इज द टर्म ऑफ द ए पी 11, 8, 5, 2 अप टू, ये पूछ रखा है क्या
ये जो आपको एपी दी हुई है इसकी कोई भी टर्म -150 हो सकती है, ये आपको चेक करके बताना है कि ये हो सकती है या नहीं। कैसे? इन एपी दे रखी है आपको 1185 × 2 अप टू। अब देखो ए इज इक्वल टू क्या आया, 11, डी इज इक्वल टू 8 - 11 -3 आ जाएगा, ए एन इज इक्वल टू क्या दे रखा आपको -150। एन हमें फाइंड करना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 × डी। ए एन हमारे पास क्या है -150, ए की वैल्यू हमारे पास 11 प्लस एन -1, डी की वैल्यू -3। -150 प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा 11 इज इक्वल टू माइनस आगे ले लेंगे एन -1 × 3। अब इसके बाद -150 और -11 -161 और इधर मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड में 3, इधर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बच गया एन -1। -1 को अपोजिट साइड लेके आएंगे प्लस हो जाएगा 161/3 + 1, इनको ऐड कर देंगे 3 × 1 = 3, 161 + 3 क्या आ जाएगा 164/3। अब ये इससे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, बट n इज नॉट एन इंटीजर, n हमारे पास कोई भी इंटीजर नहीं है, तो इसलिए जो -150 है इसकी कोई भी टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये फ्रैक्शन में आया है, तो हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि वो ये जो हमारे पास -150 है ये हमारे पास 164/3th नंबर की टर्म है, ये तो हमारे पास कोई नंबर नहीं है, क्योंकि नंबर तो हमारे पास हमेशा इंटीजर में होता है कि फर्स्ट नंबर की टर्म है, सेकंड नंबर की, थर्ड टर्म की, थर्ड नंबर की टर्म है, ऐसे बोल सकते हैं, बट ये नहीं बोल सकते हम कभी भी कि हमारे पास 2/3th नंबर की टर्म है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोल देंगे कि ये जो टर्म है ये एपी की नहीं है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। आपको 31st term find करनी AP की, उसकी 11th term 38 दे रखी है, 16th term 73। 11th term को क्या लिखेंगे A plus 10D, कितना है 38, और 16th term को A plus 15D is equal to 73। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a प्लस 10D इज इक्वल टू 38, a प्लस 15D इज इक्वल टू 73, सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस 15 माइनस 5D इज इक्वल टू 38 माइनस 73 माइनस 35, माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 35/5, 5 से कैंसिल कर देंगे 7D की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 7। अब इसी वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दिया a प्लस 10 और d की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38, 10 7 जो 70 इधर आया माइनस, क्या आ जाएगा -32। अब हमारे पास a भी है और d भी, हमें क्या फाइंड करना है 31st टर्म को क्या लिख सकते हैं a प्लस 30D, a की वैल्यू -32 प्लस 30 और d की वैल्यू 7, -32 प्लस 30 की और 7 की मल्टीप्लाई 210, 210 में से 32 को माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 178। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। आपको क्या दे रखा है, इसकी 50 टर्म कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, इसकी थर्ड टर्म आपके पास क्या है 12 एंड लास्ट टर्म इज 106 और उसकी लास्ट टर्म 106 है, फाइंड द 29th टर्म। अब एक एपी के अंदर आपको टोटल 50 टर्म दे रखी है और 50 टर्म में से थर्ड टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म है वो क्या हो जाएगी ए 50 हो जाएगी, क्योंकि टोटल टर्म ही 50 है हमारे पास, तो ए 3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 12, 3 को क्या लिख लेंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a 50 हमारे पास क्या दे रखा 106, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, प्लस को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे सभी को, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 4 क्या आ जाएगा माइनस 49, 2 में से 49 माइनस करेंगे क्या आएगा -47D इज इक्वल टू 12 -106 -94, माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 94 डिवाइडेड बाय 47, इससे कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 2 और d की वैल्यू भी क्या है 2 इज इक्वल टू 12, 2 2 जा 4, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा d,
ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई, डी। अब ए 29 फाइंड करेंगे, ए प्लस 28 डी। ए की वैल्यू हमारे पास 8 है प्लस 28 और डी की वैल्यू 2। 8 प्लस 28 2 जा 56 और दोनों को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 64। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 and -8। आपको थर्ड टर्म दे रखी है 4 और नाइन्थ टर्म -8 है, एंड विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0। इस ए पी के कौन से नंबर की टर्म 0 होगी, इट मीन्स ए एन इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। ए 3 इज इक्वल टू ए प्लस 2 डी इज इक्वल टू 4 हो गया। ए 9 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 8 डी इज इक्वल टू -8। फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अब प्लस है तो सभी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 -8 -6 डी इज इक्वल टू 4 + 12 8 12। डी इज इक्वल टू माइनस इधर आ जाएगा -12/6, 6 से कैंसिल कर देंगे -2। अब पुटिंग इन इक्वेशन, फर्स्ट इस को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, ए प्लस 2 और डी की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 4। ए 2 जा 4, माइनस का आ जाएगा तो इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा 4 + 4 डी। ए इज इक्वल टू 8 आ जाएगा और डी इज इक्वल टू -2। हमें क्या फाइंड करना है, कौन से नंबर के टर्म 0 है, तो क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 × डी। ए एन आपके पास क्या है 0, 0 इज इक्वल टू 8 प्लस ए 8 आ गया प्लस एन -1 और डी हमारे पास क्या आया -2। इसको 0 है, इधर हमारे पास क्या है प्लस 8, इधर लेके आएंगे -8 आ जाएगा इज इक्वल टू -2 और एन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 इधर 2 को लेके आएंगे डिवाइड में आ गए, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4 आ जाएगा। एन -1 इज इक्वल टू 4, -1 को इधर लेके आए प्लस हो गया, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो इसकी जो फिफ्थ टर्म है वो हमारे पास क्या आएगी 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th, द 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सिड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। जो इसकी 17th टर्म है वो एग्जिट्स बढ़ रही है 10th टर्म से 7 अधिक। ए 17 किसके इक्वल है, इसकी जो 10th टर्म दे रखी है उससे हमारे पास कितना ज़्यादा है, ये आपको गिवन में है कि 17th टर्म। अब ए 17 टर्म किसके इक्वल है आपके पास, एग्जिट्स इट्स 10th टर्म बाय 7। 10th टर्म हमारे पास क्या है इसकी ए 10 और उसमें क्या ऐड कर देंगे हम 7 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगी। अब ए 17 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 16 डी, और ए 10 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 9 डी। इट मीन्स अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ए 17 इधर प्लस से इधर आ जाएगा माइनस, ए 10 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 7। ए 17 को हम क्या लिख देंगे, ए प्लस 16 डी, माइनस ए 10 को क्या लिख देंगे, ए प्लस 9 डी इज इक्वल टू 7। ए प्लस 16 डी माइनस को अंदर लेके गए माइनस ए और माइनस 9 डी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 7। यहाँ 16 - 9 क्या आएगा 7 डी इज इक्वल टू 7। डी इज इक्वल टू इधर डिवाइड में आएगा 7 से 7 कैंसिल, डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। यही आपको फाइंड करना है। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।